जय हिंद दोस्तों। आज 3 मई सैनिक खबरों में सबसे पहले बात करेंगे, सब बिक गए इक्वल एमएसपी 15,500, फिर मिली एक और तारीख। कोर्ट में 4 पेंशन के केस लिस्ट हुए हैं, इस पर बड़ी अपडेट है। 1 में जीत मिली है और 3 पर फैसला आना बाकी है, इस पर बात करेंगे। 10 साल से कम सर्विस पर भी पेंशन, कोर्ट ने जबरदस्ती एक फैसला सुनाया है, इस पर बात करेंगे। 60 नहीं 100% पेंशन कोर्ट से आई बड़ी जबरदस्त खबर, इस पर बात करेंगे। और सभी को एक्स ग्रुप का फायदा 6200 मिलेगा, जितने भी एक्स ग्रुप पेंशनर्स हैं, कोर्ट से एक बड़ी अपडेट आई है। तो कोर्ट के ये 4 बड़े डिसीजन आए हैं, इस पर बात करेंगे। तीनों सेनाओं के एक्स सर्विसमैन के लिए पेंशन मोबाइल नंबर जारी हुए हैं, इस पर बात करेंगे। और 15 मई तक भर्ती होने का JCOR के लिए जबरदस्त मौका है, काफी ज्यादा वैकेंसी निकली हुई है। सबसे पहले पहली खबर पर बात करते हैं, सब बिक गए हैं इक्वल एमएसपी पर, फिर एक और तारीख मिली है। बता दें कल दिल्ली हाईकोर्ट में 2 मई को सुनवाई होनी थी और जब तक अपना नंबर आया उसी टाइम जज साहब उठ गए, यानी कि जब तक अपना नंबर नहीं आया था, यानी कि जेसीओ जवानों का नंबर नहीं आया था, तब तक सुनवाई होती रही। जैसे ही जेसीओ जवानों का नंबर आया जज साहब उठ गए, यानी कि फिर जज साहब ने एक और तारीख दे दी, वो तारीख 10 मई है। लेकिन जो तारीख मिली है वो बहुत पास की तारीख है, जल्दी सुनवाई होगी, लेकिन फिर वही बात होगी, फिर कोई ना कोई बहाना बना के तारीख मिल जाएगी, क्योंकि तारीख इतनी मिल चुकी है कि जेसीओ जवान यही अब कहते हैं कि फिर मिलेगी तारीख पर तारीख। बात कर लेते हैं, एक सर्वे किया था जिसमें कि एमएसपी 15,500 किसे मिलनी चाहिए, असली हकदार कौन है। उसमें जेसीओ जवान के पक्ष में 76% सैनिकों ने कहा था कि जेसीओ जवान असली हकदार हैं एमएसपी के। एमएस के लिए 6% लोगों ने कहा था, ऑफिसर के लिए 4% लोगों ने, और सभी के लिए 13% लोगों ने कहा था। तो देख सकते हैं कि असली हकदार एमएसपी के जेसीओ जवान है, लेकिन कोर्ट उसको किसी ना किसी तरह से बढ़ा रहा है, तारीख पर तारीख देता चला जा रहा है। एक बड़ी और अपडेट आई है, कोर्ट से 4 बड़े फैसले हैं, 4 पर सुनवाई चल रही है, 1 पर हमें जीत मिल चुकी है और ये वही फैसला है। बता दें ये आर्मर्ड फोर्स ट्रिब्यूनल यानी कि AFT प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली का फैसला है, और ये फैसला जो है सिग्नल मैन सुरेंद्र सिंह राठौर के पक्ष में आया है। और इस फैसले से अब सभी उन पेंशनर्स को फायदा होगा जो 10 साल पहले से इनवैलिड आउट हो जाते हैं। इनवैलिड आउट की पेंशन मिलेगी और कोर्ट का यही फैसला है, क्योंकि इसमें जो फैसले में कहा गया है, ऑर्डर है 2/4/2024 का, इसमें जो कहा गया है बहुत ही अच्छी खबर है। जो कि इनवैलिड आउट रिटायर होते हैं एक्स सर्विसमैन, जो सर्विंग जवान होते हैं, इनवैलिड आउट हो जाते हैं। इनवैलिड आउट का मतलब है जो 10 साल पहले रिटायर हो, 10 साल और 15 साल के बीच में रिटायर होता है और उनको पेंशन दी जाती है, उन्हें इनवैलिड आउट कहते हैं। लेकिन 10 साल से पहले जो रिटायर हो जाते हैं किसी वजह से, क्योंकि कई बार ऐसे हो जाती कि वो कैटेगरी हो जाते हैं और सेना में नौकरी करने लायक नहीं रहते, इस तरह की कैटेगरी हो जाते हैं, तो उनके लिए फैसला आया है कि अगर आप ऐसे कैटेगरी होके 10 साल से पहले भी रिटायर हो गए तब भी आपको पूरी जो पेंशन है डिसेबिलिटी पेंशन वो पूरी दी जाएगी। इसमें कहा गया है हॉनरेबल आर्मर्ड फोर्स ट्रिब्यूनल यानी कि AFT न्यू दिल्ली प्रिंसिपल बेंच हैज डिसाइडेड वेरी इंपॉर्टेंट केस इन मैटर एक्स सिग्नल मैन सुरेंद्र सिंह राठौर, यानी कि सुरेंद्र सिंह राठौर ने एक AFT दिल्ली में केस डाला था, और वो केस था, जो केस था उसमें कहा गया था 31 जुलाई 1993 को ये रिटायर्ड थे, डिसेबिलिटी होके रिटायर हुए थे और इनका आई साइट कुछ दिक्कत आ गई थी, जिसके बाद इनको पूरी सर्विस नहीं कर पाए थे और ये 30% डिसेबिलिटी 2 साल के लिए रिटायर कर दिए गए थे। यानी कि ये 10 साल से पहले सर्विस करके वहां से रिटायर कर दिए गए, क्योंकि आंख की ऐसी दिक्कत आ गई थी कि जिसकी वजह से इनको रिटायर कर दिया गया था, और 30% पेंशन देके केवल 2 साल के लिए। इसके बाद इन्होंने एक पिटीशन डाली, और वो पिटीशन जो डाली थी इन्होंने, इसके बाद
एएफटी में डाली थी, बता दें जो पिटीशन इन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में डाली थी उस समय एएफटी नहीं होती थी, तो इन्होंने हाई कोर्ट में पिटीशन डाली थी और पिटीशन में वहां पर ये जीत मिली थी इनको। लेकिन बता दें इसको चैलेंज किया गया था रक्षा मंत्रालय की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट में इस पर चैलेंज किया गया था। उसके बाद जो रक्षा मंत्रालय ने चैलेंज किया उस पर ये सुप्रीम कोर्ट में ये सिग्नलमैन केस हार गया था और इसके बाद जैसे का तैसा, यानी कि इनको सिर्फ 2 साल तक की 30% पेंशन दी गई और इसके बाद पेंशन खत्म कर दी गई। इसके बाद क्या हुआ कि ये किसी एक सूबेदार मेजर से मिले और उनके बाद उन सूबेदार मेजर ने इनको कहा, जो सूबेदार मेजर थे ऑनरी कैप्टन राम सिंह से मिले, उन्होंने कहा कि आप 2017 में जब ये मिले तो उन्होंने कहा कि आप इस पे केस डालो एएफटी में, आपको न्याय मिलेगा क्योंकि आप ऐसे रिटायर हुए हो जो इनवैलिड आउट होता है। अगर उसको सिविल में इस तरह से कैटेगरी होता है कि अगर उसको सिविल में भी नौकरी ना मिले तो उसके लिए पेंशन का पूरा पूरा हकदार है, चाहे फौज के लिए लायक ना रहा हो और सिविल में भी नौकरी करने के लायक ना रहा हो, आंख खराब होने के बाद ना तो वो सिविल में नौकरी कर सकता है ना फौज में कर सकता है। तो ऐसे केस में उसको इनवैलिड आउट 10 साल पहले भी अगर रिटायर होता है तो उसका फायदा मिलेगा। और इन्होंने एडवोकेट प्रवीण के माध्यम से ये काम किया और बता दे ये काम इन्होंने एएफटी नई दिल्ली में केस डाला। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फैसला होने के बाद कि इनको पेंशन नहीं मिलेगी, उसके बाद एएफटी ने फैसला दिया कि इनको पेंशन मिलेगी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में हारने के बाद भी आपको एएफटी से न्याय मिल सकता है, एएफटी न्याय दे सकता है, क्योंकि ये मामला फौज का है तो फौज वाली कोर्ट ही इसको अच्छे से समझ सकती है। हालांकि रक्षा मंत्रालय ने यह भी कहा था कि आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में केस हार चुके हो तो एएफटी में केस क्यों कर रहे हो, और यही बात एएफटी में कही गई। लेकिन एएफटी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट सिविल केस के लिए है, एएफटी जो करेगी इसमें बिल्कुल इनजस्टिस नहीं होने देगी। जवान रिटायर हुआ था सरकारी काम करते हुए, वो ऐसी कैटेगरी हुआ था और वो ऐसी कैटेगरी थी कि वो सिविल में भी उसको कहीं नौकरी नहीं मिलेगी, तो वो पेंशन का इनवैलिड पेंशन का हकदार है और उसके पक्ष में फैसला आया है। और ये आप देख सकते हैं कॉपी आप पूरी, ऐसे जितने भी पेंशनर्स हैं जो ऐसे आए हैं या आने वाले हैं 10 साल पहले वाले भी इनवैलिड पेंशन के हकदार हैं अगर वो इस तरह से कैटेगरी हुए हैं कि वो सिविल में भी नौकरी करने लायक नहीं है। बात कर लेते हैं एक और कोर्ट में केस डाला गया है, फैमिली पेंशन से संबंधित है और ये केस ऐसा है कि जब पूर्व सैनिक सर्विस करने के बाद रिटायर होता है उसके बाद अगर उसकी डेथ हो जाती है तो फैमिली को पेंशन 50-60% दी जाती है, यानी आधी कर दी जाती है, फैमिली पेंशन आधी कर दी जाती है। इसका केस डाला गया है कि जब अगर एक्स सर्विसमैन की डेथ हो जाती उस समय फैमिली को और ज्यादा जरूरत होती है पैसों की, क्योंकि उसके आगे पीछे कोई नहीं रहता है तो पैसों की और ज्यादा जरूरत होती है। उस समय उसका एक्स सर्विसमैन की डेथ होने के बाद उसकी पेंशन आधी कर दी जाती है, तो इसको आधी ना करके 100% पेंशन जो पेंशन मिलती है वही पेंशन रखी जाए। और ये केस डाला गया है, अब इसकी लिस्टिंग के लिए केस डाला गया है, जल्द ही लिस्ट होगा और लिस्ट होने के बाद इस पर सुनवाई होगी। जैसे ही सुनवाई होगी तो इसका मैं आपको लेटेस्ट ताजा अपडेट देता रहूंगा। अब बात कर लेते हैं एक्स ग्रुप का भी केस लिस्ट के लिए डाल दिया गया है, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की तरफ से ये केस डाला गया है। इसमें जो पिटिशनर है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का नाम दिया हुआ है और ये 29 तारीख को यानी 29 अप्रैल को केस डाला गया है। और इसमें जो जानकारी मिली है कि ये केस, इसमें कई अभी ऐसे दिक्कतें थी जिसकी वजह से ये केस नहीं लिस्ट के लिए डाला जा रहा था, तो अभी जानकारी मिली है जितेंद्र एडवोकेट जो हैं उन्होंने जानकारी दी है कि एक्स ग्रुप केस पर जो लिस्ट है ये 1 मई को लिस्ट के लिए डाला गया था, लेकिन इसमें भी कुछ अभी दिक्कतें हैं जिसकी वजह से ये लिस्ट नहीं हो पा रहा है और जल्द ही ये लिस्ट हो जाएगा, क्योंकि लिस्टिंग के लिए डाल दिया है तो लिस्ट भी हो जाएगा। और लिस्ट होने के बाद जो एक्स ग्रुप की पे है वो सभी को बराबर देने के लिए कहा गया है। इसके इसका मतलब यही है कि सभी को एक्स ग्रुप का जो बेनिफिट है 6200 रुपए दिया जाए, इसका केस डाल दिया गया है, जल्द ही ये लिस्ट होगा और लिस्ट होने के बाद इसकी सुनवाई होगी। सुनवाई पर जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा इसकी भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। बात कर लेते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल जारी हुई है
आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों सेनाओं के अलग अलग जो पेंशनर्स हैं उनके। सबसे पहले तो मैं आपको दिखा देता हूं एयरफोर्स पेंशनर्स जितने हैं उनके लिए अलग कॉन्टेक्ट नंबर है, पेंशन संबंधित कोई भी समस्या है आप इनका स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं और इसे बात कर सकते हैं कोई भी दिक्कत आती है तो। इसके बाद आर्मी पेंशनर्स के लिए भी जारी हुए हैं, तो आप देख सकते हैं आर्मी पेंशनर्स के लिए ये सारी लिस्ट है। और इसके बाद जो दूसरी लिस्ट है नेवल पेंशनर्स यानी कि नेवी के पेंशनर्स के लिए है, तो ये भी स्पर्श और पीसीडीए के सारी कॉन्टेक्ट लिस्ट है, इसका आप एक स्क्रीनशॉट जरूर खींच कर रखें जिससे कि कोई भी दिक्कत होती है तो आप इनसे बात कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। जॉब से लेटेस्ट अपडेट है बता दें, एडब्ल्यूपीओ चंडीगढ़ की तरफ से नोटिस जारी हुआ है, हालांकि ये गवर्नमेंट जॉब है, 12 अप्रैल 2024 को जॉब वैकेंसी से संबंधित लेटर है और ये सभी कमांडो को दिया गया है। इसमें कहा गया है सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल सीएपीएफ में वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए निकली है, और बता दें इसमें जो वैकेंसी निकली हुई है इसमें काफी वैकेंसी है, 14 मई इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की सीएपीएफ एसआई और सीएपीएफ कांस्टेबल की। लगभग 4208 पोस्ट कांस्टेबल की है और 452 पोस्टें जो एसआई सब इंस्पेक्टर की हैं, तो जरूर अप्लाई करें, 14 मई इसकी लास्ट डेट है। ऑनलाइन अप्लाई का मैंने वीडियो डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उससे आप उसको देखकर कैसे फॉर्म भरेंगे उस हिसाब से आप फॉर्म भर सकते हैं। एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत ही हेल्पकारी वीडियो रहेगा। ये थी जानकारी इस वीडियो में, इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब जरूर करके रखें। थैंक यू, जय हिंद।